दूल्हे राजा सेहरा बांध कर गए थे अपनी ससुराल दुल्हन लेने के लिए, लेकिन दुल्हन तो साथ नहीं आई, पर बारात में जमकर मारपीट और आरोप प्रत्यारोप खूब हुआ। यहाँ यह मामला है मध्य प्रदेश के रीवा जिले का, जहाँ रीवा के शाहपुर थाना अंतर्गत देवरा गांव में हनुमाना थाना के अंतर्गत ढाबा गौतमान से पवन कुमार हरिजन 31 मई को बारात लेकर आए हुए थे। बारात में खुशी का माहौल चल ही रहा था कि जयमाल के वक्त लाइट चली गई, जिस पर लड़के पक्ष वालों की तरफ से लाइट की मांग की, लेकिन लड़की पक्ष वाले नहीं माने, पर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। फरियादी कृष्ण कुमार हरिजन के द्वारा बताया गया कि लड़की पक्ष वालों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें उन्हें गंभीर चोट भी आई। वो लड़की पक्ष वाले शाहपुर थाने में जाकर मामला दर्ज करवा दिए कि दहेज के कारण शादी टूटी है, जबकि दहेज के नाम पर सिर्फ 10,000 रुपया दिया गया और कोई भी मांग नहीं की गई। बावजूद इसके इस तरह से फंसा दिया गया। हालांकि लड़के पक्ष वालों ने भी मारपीट की शिकायत खटखरी चौकी में दर्ज करवा दिया, जिस पर पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज करके आगे की जांच की जा रही है। लड़के पक्ष वालों ने यह मांग की है कि न्यायिक जांच हो और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाए उन पर कार्यवाही की जाए। हम ढाबा गौतमान के रहने वाले, मेरी शादी में गया, वहाँ बारात लेके सभी लोग गए, शादी हुई, जयमाला दुराचार हुआ और जयमाला जब मारने में गया तो उसके भाई ने बोला कि जयमाला तुम मेरी बहन दूसरे से बात करती है, जयमाला मत डालो। मैं जब उसके भाई ऐसे बोला तो मेरे भाई जी बोले कहीं ऐसे बोले तो मेरे भाई को टांगा से उसने मार दिया लगी। हाँ, दहेज की डिमांड की गई। दहेज में मुझे 10,000 तिलक दिए थे, 1,000 परीक्षा दिए थे, वो भी वीडियो मेरे पास है। मैं वहाँ तिलक और दहेज कुछ भी नहीं मांगे होते, मैं बारात मच जाता, उसी दिन लड़ाई हो जाती। तिलक के दिन मैं बोल देता। यह जो आरोप लगाया जा रहा है यह गलत है? हाँ, यह आरोप गलत है। अब आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि मैं वहाँ शादी ना करूँ। मैं शादी कर लिया होगा, कुछ दिन जाएंगे, मेरा बदला ले लेंगे, मार पीट देंगे, क्या करेंगे, हम अकेले जाएंगे। मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। वहाँ सब दिन के लिए हो जाएगा, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। अब तो आप दोनों के कुमार हरिजन है, मैं ढाबा गौतमान का रहने वाला हूँ, पुश्तैनी निवासी हूँ। मेरे भाई की शादी देवरा दिल्ली प्लाट में हुआ, शादी पक्की हुई, वहाँ से आए तिलक 27 तारीख को। 27 तारीख के तिलक में 1100 रुपये परीक्षा किए और 10,000 रुपये का तिलक दिए, तिलक और एक थाली और 5-6 साड़ियाँ दिए। इसके बाद मैं बारात गया दिल्ली का प्लाट पे। वहाँ बारात में मेरे को कहा था बहुत मनो वो हुआ, द्वार पूजा के बाद जयमाला सिस्टम में थोड़ी सी लाइट की व्यवस्था न होने के कारण वहाँ गाली गलौज की है। वो बोले कि माधव चौधरी तुम लोग बाहर चलो। इसके बाद कहा था इसी में झगड़ा हुआ। झगड़े में मैं भी कहा था अपने तरफ से, मैं 10 गाड़ी किया था और यह DJ किया था। इसके बाद मैं पूरे बारात के साथ सम्मान के साथ गया था। मेरे बारातियों को मार पीट के भगाया गया, बोले के भगाया को टांगे से मारा गया। मेरे पास उसका वीडियो है, मैं कागज और रिपोर्ट भी है। मैं टांगी थाने में जब्त हुआ है। ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, उनमें कोई मांग नहीं थी किया था। अगर मांग किया होता तो मेरे घर द्वार पे आए थे, तिलक लेने देने आए थे, तो मैं तभी तिलक था, उसी समय मैं मांग लेता। अगर ऐसी बात होती तो मैं शादी करने जाता ही नहीं। लड़की पक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि वो बहुत पहले का था, 2011 में शादी हुई थी मेरी एक छोटे चचेरे भाई का, वहाँ भी एक बार झगड़ा हुआ था, उसी झगड़े का बदौलत उसने ऐसा व्यवहार किया है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को साथ मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। अगर ऐसे जाएंगे दोबारा फिर वही वार्तालाप करेंगे, मारपीट करेंगे, हमारे पूरे संपत्ति को लूट लेंगे, जो ले जाएंगे थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसके यहाँ शादी ना करें। हाँ, मामला दर्ज किया गया है ना? कहाँ पे दर्ज किया गया? वो खड़खरी थाने में चौकी पे। ढाबा गौतमान, क्या घटना ही हुई? मैं शादी में गया, शादी के समय पे वो पानी पिंगल हुआ, इसके बाद जयमाला हुआ, जयमाला के बाद देवरा गया था, देवरा प्लाट, तो नहीं वो क्या बोलते सुखराम प्रसाद हरिजन के यहाँ घर में गया था बारात।
इसके बाद वहाँ पे लाइट का व्यवस्था नहीं था। जयमाला के समय पे मैंने वहाँ पे बोला लाइट का ज़रूरत है, लाइट यहाँ लगा दीजिए। उन्होंने बोले साले माधव चौधरी तुम्हारे घर का है, तुम्हारे बाप का है लाइट, मैं नहीं लगाता माधव चौधरी, भागो। मैं वहाँ से आपस आ गया। इसके बाद वो पीछे से बब्बू आया और क्या बोलते हैं उसको दिवास ने, बब्बू ने तीन बार आया, मेरे को झांक फीट किया, मेरे पास में आया, इसके बाद दिवास को भेजा, मेरे को पीछे से टांगा का वार किया। ये है, ये चोट लगी है, ये पूरे सर पे ये पूरे खून का है, देख लीजिए। ऐसे ऐसे मेरे साथ व्यवहार किया है। 2011 में हुआ था मेरे चाचा के लड़के के शादी में, उसमें हुआ था लड़ाई झगड़ा। वो बोला था बब्बू ने तुम आओगे हमारे गांव में कभी भी मिलोगे मैं तुमको जान से मार डालूँगा। 2022 में गया बारात, वही ने बदला ने लिया है हमारे से। दहेज ने कुछ नहीं हुआ है, दहेज ने दिया है 1100 रुपये भरीचा, 10,000 तिलक दिया है। वो कोई गैर नहीं है, केवल हमारा फुफुआ सास का लड़का है, हमारा फुफुआ ससुर है, वो सगी है। हमने जो होता था हमारे को बताते, बोले थे बेटा तुमसे हमारे से मैं बहुत गरीब हूँ, मैं दहेज नहीं दे पाऊँगा, जो है इतना करो, तुम पुराने हमारे खास रिश्तेदार हो, तुम शामिल करके शादी करो भाई का। मैंने बोला चलो ठीक है, धन्यवाद। रीवा मध्य प्रदेश से विजय तिवारी की रिपोर्ट।